मेरे पास है स्टोरी। उसका नाम एना डेल्वी है या एना सोरोकिन, कोई नहीं जानता। वो या तो जर्मन अमीरजादी है या एकदम भक्कड़ है। सारे इल्जाम कमाल है। एना ने करोड़ों डॉलर्स चुराने के इरादे से एक सोशलाइट होने का ढोंग करके अपराध किए हैं। है एना, मेरे कुछ सवाल थे। मेरा एक सवाल है, ये क्या पहना हुआ है? गरीब लगती हो। आज के अमेरिका के बुराइयों का प्रतीक है वो। मैं फेमस हूँ, लोगों ने तो मेरी इमेज ऐसे बना दी है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। ये मेरी स्टोरी नहीं है। तो क्या है तुम्हारी स्टोरी? एना न्यूयॉर्क पहुँचती है, ना अमीर माँ बाप और ना ही कोई जान पहचान, और जीत के लिए लिया झूठ का सहारा। ट्विस्ट तो है इसी बात पर। एना डेल्वी एक लेजेंड है। कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा से पता था मुझे। मैं कुछ बना रही हूँ, एक प्राइवेट क्लब। ये वीआईपी रूम से एक स्टेप आगे होगा। हमें 4 करोड़ फाइनेंस कराने हैं। अभी 2 बैंक्स उनके बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें लोन देना चाहते हैं। ओह माय गॉड। कुछ स्पेशल बनाने के नाम। 4 करोड़ डॉलर्स मांगे थे। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? शायद समझ पाओ अगर तुम बाकियों की तरह मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। इतने मामूली नहीं हो। तुम लोगों को क्या लगता है, इनको हम इतने पैसे दे रहे हैं काफी नहीं है क्या? सारे सबूत हमारी आंखों के सामने थे। उसने सारे चार्जेस लगा दिए मेरे कार्ड्स पर। मुझे वो पैसे लौटा दो प्लीज। हाँ, पर इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? इमेज, पैसा, पावर, यहाँ सभी को जल्दी है। हर रोज आदमी इसे कहीं ज्यादा गलत काम करते हैं, जितना गलत मुझे बताया गया है। एना एक जेट चुरा चुकी है। ये सब क्या हो रहा है? तुम हो कौन? एना डेल्वी एक मास्टरपीस है, समझे? उनसे कहो जाए भाग। Yes, I'm a cold piece looking for a Mr. Freeze to get froze like me.